हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि परमाणु विभाग की तरफ से एक नया अपेंडिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ कर दिया गया, जिसमें सिर्फ ITI पास कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं वीडियो के आगे देखेंगे। एडवर्टाइजमेंट आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, इसका ऑफिशियल साइट क्या है नहीं है, सारा कुछ बात करने वाले आज के वीडियो में। ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, स्टाइपेंड आपको क्या मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वो तो आप थंबनेल से देख के समझ गए कि इसमें कोई भी एग्जाम होने वाला नहीं है, ना कोई आपका एप्लीकेशन फीस लगेगा, प्रोसेसिंग फीस लगेगा, डायरेक्ट आपका मेरिट के आधार पर यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए सीधे चलते हैं परमाणु विभाग के भर्ती का जो अपेंडिसशिप निकाला गया उसका ऑफिशियल साइट पे, और फिर ऑफिशियल साइट पे जाने के बाद एडवर्टाइजमेंट कैसे डाउनलोड करना है वगैरह सबको सारा कुछ देखेंगे, और उसके बाद फिर फाइनल इसके एडवर्टाइजमेंट पे चलेंगे और वहाँ से सारा डिटेल देखेंगे। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए जरूर जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर देगा। इससे क्या होगा, सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेगा, और आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट ज्वाइनिंग का हो मैं और आपका बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेरिट लिए, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो देखिए हम आ गए हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो है आपका यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस। अगर यहाँ पे बात करें तो आप इसके ऑफिशियल होम पेज में आकर UCIL, ठीक है, जैसे आप गूगल में टाइप करोगे UCIL तो आप इसका ऑफिशियल होम पेज में आ जाना है आपको, और होम पेज में आने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे बढ़ना है। देखिए स्क्रॉल करके जब आप नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको एक जॉब रिक्रूटमेंट करके ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको देखिए एडवर्टाइजमेंट यहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हो कि एनरोल फॉर द अपेंडिसशिप ट्रेनिंग इन डिजिग्नेटेड डेट फॉर ऑल द यूनिट ऑफ UCIL इन झारखंड। तो ये फाइनली झारखंड की तरफ से आपका रिलीज किया गया। अब चलिए सीधे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं और सारे डिटेल देखते हैं कि क्या क्या डिटेल्स बताया गया, कौन कौन से लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या ऑल ओवर इंडिया अप्लाई कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। अब हम आ गए हैं फाइनली इसके ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट है कि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका 5/2022। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द XITI NCVT कैंडिडेट फॉर द ट्रेड अपेंडिसशिप ट्रेनिंग अंडर द अपेंडिसशिप एक्ट 1961। मतलब इसमें सिर्फ NCVT के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SCVT से ITI किए हैं तो आपके लिए ये फॉर्म नहीं है, वीडियो को स्किप कर सकते हैं, वीडियो को छोड़ सकते हैं। अगर आप जानकारी के लिए चाहें तो वीडियो को पूरा एंड तक देख सकते हैं, सिर्फ NCVT कैंडिडेट को मौका दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, अगर यहाँ पे देखें तो 1992 रूल्स के तहत आपका जो भर्ती है वो कराया जाएगा, और इसमें अगर बात करें टोटल 229 पोस्ट पे अपेंडिसशिप का भर्ती निकाला गया, कितना 239 पोस्ट पे, और ऑल यूनिट ऑफ UCIL इन झारखंड रीजन में जितने भी यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का यूनिट है वहाँ सभी पर आपका इसे इसके रिगार्डिंग भर्ती कराई जाएगी। चलिए अगर पोस्ट पे हम बात करें कि कौन कौन से ट्रेड वालों को यहाँ पे रखा गया है, तो टोटल यहाँ पे 8 ट्रेड को मौका दिया गया। कौन कौन से है देख लीजिए, सबसे पहले आपका फीटर है, इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक का है, टर्नर आपका और मैकेनिस्ट है, दोनों है यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, और आपका बाद मैकेनिक डीजल, और यहाँ पे बात करें तो कारपेंटर प्लम्बर, टोटल 8 ट्रेड को यहाँ पे मौका दिया गया है। नंबर ऑफ सीट का बात करें तो सबसे ज़्यादा सीट आपको देखने को आएगा 2 ट्रेड में, इलेक्ट्रीशियन और फीटर में 80-80 सीट करके यहाँ पे आपको देखने को आ रहा है, बाकी सभी में इससे कम सीट यहाँ पे आपको देखने को आ रहा है। चलिए अगर यहाँ पे देखिए तो यूनिट वाइज भी दिया गया है कि यहाँ पे 106 वैकेंसी है यूनिट में, और इस यूनिट में आपका नरवा पहाड़ में आपका 52 वैकेंसी है, और यहाँ पे आपका तुरामडी में आपका 81 वैकेंसी है। तो इस तरह करके आप वैकेंसी वाइज भी देख सकते हैं, यूनिट वाइज भी आपको। और चलिए बात करते हैं रिजर्वेशन आपको कितना कितना देखने को मिलेगा, तो शॉर्ट में समझ लीजिए कि ST SC अगर आप हैं तो आपको 5 साल का देखने को मिलेगा, अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का, और अगर वहीं आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 साल का यहाँ पर छूट देखने को मिलेगा। जो भी रिजर्वेशन और वैकेंसी का आधार है उसके तहत आपको यहाँ पर छूट देखने को मिलेगा, ठीक है। फॉर फिजिकल हैंडीक्राफ्ट भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। एलिजिबिलिटी कंडीशन का अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी कंडीशन एक बार समझ लीजिए, क्वालिफिकेशन में आपको क्या बोला गया कि मैट्रिक और यहाँ पे 10th पास आपका होना चाहिए, रिलेवेंट ट्रेड फॉर NCVT नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। वीडियो की शुरुआत में ही बता दें कि सिर्फ ये वैकेंसी NCVT वालों के लिए है। अगर यहाँ पे एज का बात करें तो मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 18 से 25 के बीच आपका एज चलेगा, और एज का जो काउंट है वो 31 नवंबर से किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पे नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक बात आप समझ लीजिए कि क्वालिफिकेशन में बोला गया है कि मैट्रिक और ITI पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, पर ये नहीं बोला गया है कि मैट्रिक में अगर आपका 50% से कम है तो ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो उन कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा मौका है जिनका 50% से कम मार्क्स है, वो सभी आराम से इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करेंगे तो प्रीवियस ट्रेनिंग में मैं आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि इससे पहले अगर कहीं से आप अपेंडिसशिप किए हैं या फिर अपेंडिसशिप कर रहे हैं, या फिर आपके पास अगर 1 साल से ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ अ स्टाइपेंड ऑफ टू अपेंडिस द मिनिमम रेट
ऑफ स्टाइपेंड पर मंथ पेएबल टू अपेंडिसशिप शैल बी फॉलो रूल 11 ऑफ अपेंडिसशिप रूल 1992 इज रिलेवेंट। तो देखिए जो भी अपेंडिसशिप का रूल है उसके तहत आपको यहाँ पे स्टाइपेंड दिया जाएगा UCIL की तरफ से। और यहाँ पे अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए समझना, कि सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी ऑन द मेरिट बेसिस, दैट इज ऑन द बेस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड इन ITI। तो ITI में जो भी आपने परसेंटेज वहाँ पे आपका आया है उसके अनुसार आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पे आपको कोई भी TA DA नहीं देखने को मिलेगा और एकोमोडेशन नहीं देखने को मिलेगा। एकोमोडेशन का मतलब होता है कि रहने खाने का प्रबंध आपको खुद वहाँ पे करना होगा, आने जाने का जो भी कॉस्ट लगेगा वो आपको अपने पैकेट से देना होगा। चलिए अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए फॉर रजिस्ट्रेशन विजिट गवर्नमेंट पोर्टल, आपको इस पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है। और पोर्टल में जाके क्या आपको रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हो। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको वहाँ पे सर्च करना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको बताया गया है कि इस तरह करके आप पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, यानी कि इसी को जाकर सर्च कर देना है, ठीक है। पोर्टल से जाके आपको वहाँ पे आवेदन इजीली प्रोफाइल, सबसे पहले आपको 100% कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि जब तक आप 100% प्रोफाइल कंप्लीट नहीं करोगे आपका जो सर्च अपॉर्चुनिटी वाला ऑप्शन में आपको ये शो नहीं होगा। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैट्रिकुलेशन मार्कशीट चाहिए, उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए ST SC OBC जिससे भी आप बिलोंग करते हैं, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट पेबल अगर EWS है तो EWS का चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, फोटो और सिग्नेचर होना चाहिए, आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड लिंक बैंक अकाउंट भी आपके पास होना चाहिए। और अगर बात करें कि एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बताया गया कि लैंड एक्विजिशन सर्टिफिकेट फॉर लैंड डिस्प्लेस्ड पर्सन और / आधार कार्ड फॉर द प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली एंड UCIL ID कार्ड फॉर एम्प्लॉय फॉर द एम्प्लॉय सन। अगर आपके माता पिता मान लीजिए UCIL में अगर वर्क करते हैं तो वहाँ का UCIL ID आप दे सकते हो अगर फॉर्म फिलअप करोगे तो। अपेंडिसशिप अपॉर्चुनिटी में अगर हम बात करें तो देखिए आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन द कैंडिडेट मस्ट क्लिक ऑन द अपेंडिसशिप अपॉर्चुनिटी टैब सेक्शन फॉर द सिलेक्शन द डिजायर्ड ट्रेड इन विच अपेंडिसशिप ट्रेनिंग इज बींग सॉट। देयर आफ्टर द कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो सेलेक्ट वन और मोर देन वन यूनिट, ठीक है। एक से ज़्यादा यूनिट का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं इसमें, जैसे यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को आपको सेलेक्ट करना है, ये तीनों यूनिट में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह करके आपको यहाँ पे आवेदन करना है, जो आपको यहाँ पे बता दिया गया है, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताया आपको। ये वाला प्रोसीजर जो है वो आपको जब आप अप्लाई करोगे ऑनलाइन तो ये प्रोसीजर आपको वहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। सर्च अपॉर्चुनिटी में जाके कुछ नहीं करना है आपको, ये सिर्फ सर्च करना है कि यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर लास्ट डेट का बात करें तो लास्ट डेट आपका 30 नवंबर तक रखा गया है, 30/11 तक इसका लास्ट डेट है, इससे पहले पहले आपको आवेदन कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें, आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के बाद यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉयमेंट के तहत आपको यहाँ पे रोजगार देने की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पे पहले बता दिया है और 100% प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद ही आपको यहाँ पे आवेदन करना है। और यहाँ पे देखिए बताया गया है कि द रिजल्ट शैल बी पब्लिक ऑन आवर UCIL वेबसाइट, इसके UCIL की वेबसाइट पर ही आपका जो रिजल्ट है वो पब्लिक किया जाएगा। चलिए स्क्रॉल करके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता दिया गया है कि 29/10 को नोटिफिकेशन आया और 30/11 तक इसका लास्ट डेट है। अगर वहीं पे बात करें कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे देखिए EWS का जो आप सर्टिफिकेट बनाओगे इस आधार पे आपको बनाना है, यहाँ पे परफॉर्मा दे दिया गया है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखिए कि और डिक्लेरेशन भी आपको साथ में दिया गया है। और उसके बाद बात करें कि देखिए सर्टिफिकेट ऑफ LDP का भी ये सर्टिफिकेट दिया गया है आपको यहाँ पे। चलिए स्क्रॉल करके अगर नेक्स्ट बात करें तो सेम आपका वही चीज़ है, आपको यहाँ पे वही चीज़ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह करके आप सारा जो है 239 पोस्ट वैकेंसी जो है अपेंडिसशिप का उसमें आप लोग फॉर्म जरूर शुरू अप्लाई करिएगा। आप लोग कौन से ट्रेड से अप्लाई करें हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन करिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। चलिए मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।